दोस्तों नमस्कार, एसएससी जोन में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे भारतीय कला एवं संस्कृति में भारतीय चित्रकला की, और आज की वीडियो में जो कि भाग 5 है, हम बात करेंगे मधुबनी चित्रकला की। पिछला वीडियो पटना कलम शैली पर आधारित था और आज हम मधुबनी चित्रकला को डिटेल रूप में समझेंगे। मधुबनी चित्रकला एक ऐसी चित्रकला जिसको हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चा मिली, चाहे वो कलाकारों के द्वारा जो फ्री ऑफ कॉस्ट चित्रकारी की गई स्टेशन पे, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनवरी 2018 में सिंगापुर में मधुबनी पेंटिंग की परचेजिंग हुई डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रूपी कार्ड से, उस दरमियान तो मधुबनी चित्रकला अभी पहले से ज्यादा भी चर्चा में, या ये कहें कि जो अन्य कला शैलियां हैं चित्रकला की, उनमें जो लाइमलाइट में है वर्तमान में, वो है मधुबनी चित्रकला। तो मधुबनी चित्रकला क्या है, उस सबकी डिटेल जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे कि जो मधुबनी चित्रकला है उसका एरिया कौन कौन सा है, क्षेत्र कहाँ तक इसका है। तो ये मिथिला क्षेत्र, जो मिथिलांचल जिसको बोलते हैं, जिसमें बिहार के दरभंगा, नेपाल के कुछ क्षेत्र भी शामिल है, मुख्य रूप से उन क्षेत्रों के लिए ये उसी क्षेत्र के हिसाब से इसका नाम पड़ा। मधुबनी इसका मुख्य केंद्र है, तो इस वजह से इसको मधुबनी चित्रकला के नाम से जाना गया। जब इस चित्रकला की शुरुआत हुई, या ये जो चित्रकला है प्रभाव में आई, उसके पहले ये चित्रकला के रूप में नहीं जानी जाती थी। मधुबनी चित्रकला की जो शुरुआत हुई वो एक रंगोली के रूप में हुई, बाद में ये धीरे धीरे विकसित हुई और अभी वो दीवारों पर, कपड़ों पर, कागजों पर उतरकर लोगों के सामने है और विश्व में अपनी एक अलग छवि बनाए हुए है। बात करते हैं मिथिला चित्रकला या मधुबनी चित्रकला की, तो ये सबसे पहले शुरुआत की गई महिलाओं के द्वारा, लेकिन बाद में इसमें धीरे धीरे पुरुषों ने भी इंटरेस्ट लिया और अभी वर्तमान में काफी पुरुष चित्रकार अपनी कला का प्रदर्शन मधुबनी चित्रकला के माध्यम से कर रहे हैं। विशेषता की अगर हम बात करें कि इस चित्रकला की विशेषता क्या है, तो इस चित्र में कुल देवता के चित्रण पर विशेष महत्व दिया गया। हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों का अच्छा चित्रण इस चित्रकला के माध्यम से किया गया। प्राकृतिक नजारों का भी चित्रण और सामाजिक स्तर पर होने वाले पर्व त्योहार और उत्सवों को भी इस चित्रकला में उकेरा गया। बात करते हैं कि ये जो चित्रकला है, मुख्य रूप से अगर इसका जो असली स्वरूप है, तो वो है वो चित्रकला जो झोड़ियों मिट्टी के द्वारा, झोपड़ियों पर लिपाई पुताई के द्वारा बनाई जाती है, और वही इसका मुख्य स्वरूप या इसका जो आदिकाल का जो स्वरूप है, जो इसका बेस है मधुबनी चित्रकला का, वो यही है कि वो चित्रकला जिसकी शुरुआत दीवारों पर लिपाई करके बनाए गए चित्रों से हुआ, धीरे धीरे इसने अपने आप को अपग्रेड किया, कपड़ों पर आए, कैनवास पर आए, और अन्य विशेषताओं में यदि हम बात करें तो एक ऐसी चित्रकला है जिसके चित्रकार इस रूप में तो पेंटिंग करते ही करते हैं, साथ ही पासवान जाति के जो राजा शैलेश हैं उनके जीवन वृतांत का चित्रण भी इस चित्रकला के द्वारा किया जाता है। पासवान जाति के जो लोग हैं वो लोग राजा शैलेश को भगवान स्वरूप मानते हैं और उनके जीवन वृतांत को, विभिन्न उनके जीवन वृतांत के स्वरूपों को इस चित्रकला के द्वारा लोगों तक पहुंचाते हैं। बात करते हैं कितने प्रकार की है, तो मधुबनी चित्र कला दो तरह की होती है, पहली भित्ति चित्र और दूसरी अल्पना। भित्ति चित्रों के अलावा जो बिहार में अल्पना का प्रचलन है, वो सिर्फ और सिर्फ मधुबनी पेंटिंग को इसका श्रेय दिया जाना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पहले जो था वो अल्पना का उतना ज्यादा स्कोप नहीं था बिहार में, और अभी अगर बिहार में अल्पना बनाई जाती है तो वो मधुबनी पेंटिंग का ही एक हिस्सा है, उसी का एक स्वरूप है। पहले और अभी के इसमें क्या हुआ कि पहले जो हम मधुबनी चित्र में जो अल्पना बनाते थे बिहार में, उसमें क्या होता था कि उस समय बनाई जाती थी जब फसलों में अच्छी पैदावार हो उसके लिए, लेकिन अब जितने भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, शुभ काम होते हैं, तीज त्यौहार होते हैं, उन सभी पर्वों में इसका चित्रण किया जाता है। बात करते हैं कि किस प्रकार से, किस माध्यम से बनाया जाता है चित्र, तो चित्र बनाने के लिए माचिस की तीली या बांस की पतली कलम का प्रयोग किया जाता है। पकड़ने के लिए
चूंकि माचिस की तीली का प्रयोग किया जाता बहुत ही लघु चित्रकारी यही है, तो उसको रंग पकड़ने के लिए बबूल के गोंद का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि डुबा करके जब रंग लगाया जाता है तो अच्छे से पकड़ में आता है और इधर उधर फैलता नहीं है। विधियों की अगर बात करें तो इसमें चटक रंगों का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है, जैसे गहरा लाल रंग, गहरा हरा रंग, गहरा नीला, गहरा काला, ये जो कलर्स हैं वो इसमें मधुबनी पेंटिंग में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। कुछ हल्के रंग भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पीला, गुलाबी, नारंगी। और सबसे खास बात यह है कि ये जो कलर्स हैं ये मुख्य रूप से प्राकृतिक रहते हैं। अभी कुछ चेंजमेंट आया अपग्रेडेशन के साथ, लेकिन जो इसका मूल स्वरूप है वो प्राकृतिक रंग है, जिनका निर्माण हल्दी, केले के पत्ते, लाल रंग के लिए पीपल की छाल इत्यादि का प्रयोग करके और सफेद रंग के लिए दूध वगैरह का प्रयोग करके जो है मिला करके उसमें जो है वो कलर्स बनाए जाते हैं। इतिहास की अगर बात करें कि इसका जो मूल इतिहास है या काश इसकी उत्पत्ति इतिहासकार मानते हैं, चित्रकला में जो मधुबनी चित्रकला है उसकी, तो ऐसा माना जाता है कि राजा जनक ने राम सीता के विवाह का चित्रण करवाया था और उसमें महिला कलाकारों ने हिस्सा लिया और उसका चित्रण किया, वही इसका सबसे बेस है। और पहले इतिहास काल में जो ये चित्रकला थी सिर्फ उच्च जाति की, उच्च कुल की महिलाओं के द्वारा ही की जाती थी, लेकिन बाद में अभी वर्तमान की यदि बात करो तो सभी करते हैं, चाहे महिला हो, पुरुष हो, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, ये सारी बेड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं। बात करें कि अभी जितनी भी महिलाएं हैं मिथिलांचल की, चाहे वो दरभंगा हो, चाहे वो मधुबनी हो, चाहे वो नेपाल के कुछ हिस्से भी हो, वो इस कला में बहुत ज्यादा निपुण हो गई हैं। डेली बेसिस पे, खाली टाइम पे कुछ लोग शौक के तौर पे कर रहे हैं, कुछ अपने प्रोफेशन के रूप में भी इसको आजमा रहे हैं। इस चित्रकला में वर्तमान में खास तौर पर वही हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें, प्राकृतिक नजारे, सूर्य चंद्रमा, धार्मिक रीति रिवाज, इन सब का चित्रण देखने को मिलता है। तो यह परिचय था मधुबनी चित्रकला का। पिछले वीडियोस अगर आपने मिस किए हैं भाग 4 तक के, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक फॉलो करके जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस हैं। इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे जितने भी नोटिफिकेशन है आप सबसे पहले प्राप्त करें। अगर आप किसी अन्य वीडियो की श्रृंखला चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। होपफुली बहुत ही जल्द आपको वो वीडियोज प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम।